कुमार, दवाई अगर चालू हो गई तो दवाई बंद ही नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको 3 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मात्र 1 हफ्ते, 1 हफ्ते से ज्यादा चढ़ाना भी नहीं पड़ेगा। जैसे 1 हफ्ते आप टेबलेट लेते हो, गोली लेते हो, 1 हफ्ते चढ़ाना प्रारंभ कर दो। सबसे पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या करना है, जल का पात्र लेना है, उसमें 2 दाने चावल के डालना, 2 दाने अक्षत के डालिए। पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाओ, वहां जल चढ़ाओ, फिर जाइए पीपल के वृक्ष के नीचे, वहां जल चढ़ाइए, आखिरी में या तो शमी के नीचे या फिर आंवले के नीचे, इन दोनों में से कोई एक वृक्ष जिसके नीचे। पर 1 हफ्ते अगर आपने आंवले में चढ़ाया है तो आंवले में ही चढ़ाना, शमी में चढ़ाया है तो शमी में चढ़ाना है। ये बदल के मत चढ़ाना कि आज मैं शमी में चढ़ा देती हूँ, कल आंवले में चढ़ा दूंगी, ऐसा नहीं। और ध्यान रखिए एक बात का, कई माताएं क्या करती हैं, पशुपति व्रत करती हैं, तो अभी मैं ये वाले उस मंदिर में कर लेती हूँ, अगला मैं उस मंदिर में कर लूंगी, अगला मायके में जाके कर लूंगी, ये गलत है।